दोस्तों आज की वीडियो में हम हमारी जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की वीडियो सीरीज को हमने शुरू किया था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट रोमांटिक क्रिटिक जिसका नाम है थॉमस लव पीकॉक के लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। ये एक अच्छे पोएट, नॉवलिस्ट और क्रिटिक थे और साथ ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम करते थे। ये पीबी सैले के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे और थॉमस लव पीकॉक और पीबी सैले दोनों एक दूसरे के वर्क से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और थॉमस लव पीकॉक ने क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा है, द फोर एजेस ऑफ पोइट्री। इस बुक में इन्होंने पोइट्री की जो अलग अलग चार स्टेज बताई हैं, चार एजेस बताई हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आज की वीडियो में हम थॉमस लव पीकॉक के फोर एजेस ऑफ पोइट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों थॉमस लव पीकॉक का जन्म 1785 में इंग्लैंड में हुआ था और 1866 में इनकी डेथ हो गई थी। थॉमस लव पीकॉक स्टेरिकल नॉवल लिखने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। इनकी स्टेरिकल नॉवल में ऑलमोस्ट सेम सेटिंग देखने को मिलती है, जैसे कि टेबल डिस्कशन, फिलोसफिकल ओपिनियन को क्रिटिसाइज करना, ये मोस्टली उनके वर्क्स की सेटिंग होती थी। और ये जो वर्क है द फोर एजेस ऑफ पोइट्री, इसको 1820 में पब्लिश किया गया था और ये वर्क हिस्ट्री और पोइट्री की डेवलपमेंट के ऊपर एक क्रिटिकल एसे था जिसको लिटरेरी मिसलनी नाम की एक मैगजीन के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। और इस वर्क में थॉमस लव पीकॉक ने पोइट्री को क्रिटिसाइज किया है और इसके रिस्पांस में पीबी सैले ने एक वर्क लिखा है डिफेंस ऑफ पोइट्री। इस वर्क में द फोर एजेस ऑफ पोइट्री में थॉमस लव पीकॉक ने एक तरह से पोइट्री का मजाक उड़ाया है। पीकॉक का मानना है कि पोइट्री को ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पोइट्री का जो यूज है वो सिर्फ प्लेजर और एक्सप्रेशन के लिए ही किया जाता है। आगे पोइट्री के लिए थॉमस लव पीकॉक ने एक बहुत ही सीरियस होकर एक बात लिखी है। वो बोलते हैं कि अगर हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो हमें पूरी तरह से इस आर्ट से दूर जाना होगा। मतलब वो यहाँ पे आर्ट ऑफ पोइट्री की बात कर रहे हैं, पोइट्री से कम्प्लीटली दूर जाने की बात कर रहे हैं। फिर वो आगे पॉइंट आउट करते हैं कि हिस्ट्री से लेकर आज तक पोइट्री ने हमारे कल्चर को क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया। और इस तरह से वो पोइट्री की चार एजेस को डिस्क्राइब करते हैं और ये चार एजेस हैं आयरन एज और सिवालरिक एज, गोल्डन एज, देन तीसरी है सिल्वर एज और लास्ट है ब्रास एज और रोमांटिक एज। सबसे पहले पीकॉक ने आयरन एज से शुरू किया है। पीकॉक ने बोला है कि इसी एज की वजह से पोइट्री को हाई रिस्पेक्ट दी जाती है। उस टाइम पे पोइट्स को गिफ्ट की तरह रिस्पेक्ट दी जाती थी, बट आजकल जो है वो गिफ्ट एक टाइप से लोगों की आदत बन गई है। और वो आगे बोलते हैं कि लेटर लिखने का ट्रेडिशन उस टाइम तक शुरू नहीं हुआ था, तब लोग अपना मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए पोइट्री पे ही डिपेंड थे, तो उस टाइम पे पोइट्री को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती थी। और जो बारबेरियंस थे, मतलब जो लोग जंगली लोग थे, उनके पास एजुकेशन का कोई सोर्स नहीं था, बट वो एजुकेशन को डेवलप करना चाहते थे, बट उनके पास कोई भी और दूसरा सोर्स नहीं था। इसके बाद पीकॉक ने डिस्कशन किया है गोल्डन एज के बारे में। इस एज में आने के बाद पोइट्री जो है वो परफेक्शन को गेन कर चुकी थी। इस एज में पोइट्री पूरी तरह से फैल चुकी थी और लोग इसके माध्यम से सब कुछ सीख रहे थे, जैसे कि किंगडम को कैसे एस्टेब्लिश करना है और सोशल इंस्टीट्यूट जो है उनको कैसे एस्टेब्लिश करना है, ये सब पोइट्री से वो सीख रहे थे। और इस एज में जब पोइट्स पोइट्री को लिखते थे तो जो लोग पावर में होते थे, जैसे कि किंग्स और मिनिस्टर्स, वो उनको प्रेज करते थे। इतना ही नहीं, वो इनके एंसेस्टर्स को भी प्रेज करते थे, क्योंकि जो लोग पावर में होते थे ये पोइट्स उनसे काफी डरते थे। और वो आगे बोलते हैं कि इस एज में ही पोइट्री से दूर जाने की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद लोगों का फिक्शन की बजाय फैक्ट्स में इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हो रहा था। बट इसका मतलब ये नहीं था कि पोइट्री की इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो गई थी। उस एज तक पोइट्री की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। अब इसके बाद आती है तीसरी एज, सिल्वर एज। इसमें पीकॉक बोलते हैं कि इस एज में पोइट्री के लुप्त होने की शुरुआत हो गई थी। इस एज में पोइट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इमिटेटिव पोइट्री और ओरिजिनल पोइट्री। ये जो इमिटेटिव पोइट्री थी इसको गोल्डन एज से कॉपी करके इसको रिपोलिश कर दिया गया था, और जो ओरिजिनल है वो कॉमिक और स्टेरिकल वाली पोइट्री है। इसलिए पीकॉक ने बोला है कि जो पोइट्री की न्यू फॉर्म है वो बहुत ज्यादा मोनोटोनस है, और वो बोलते हैं कि अगर पोइट्री को जिंदा रखना है तो अब जरूरत है कुछ चेंज करने की। और वो एक लाइन लिखते हैं, इट इज नाउ एविडेंट दैट पोइट्री मस्ट ईदर सीज टू बी कल्टीवेटेड और स्ट्राइक इनटू ए न्यू पैथ। इस लाइन से पीकॉक का मतलब है कि पोइट्री जो है उसको पूरी तरह से या तो सीज कर दिया जाना चाहिए या फिर इसके नए तरीके हमें खोजने चाहिए। इसके बाद है फिर लास्ट एज, ब्रास एज। इस एज में भी पोइट्री को गोल्डन एज से फिर से वापिस लाने की एक कोशिश की गई है, जिसको पीकॉक ने
द सेकेंड चाइल्डहुड ऑफ पोइट्री बोला है। वो बोलते हैं कि ये एज जो है ब्रास एज, ये पोइट्री का दूसरा बचपन है, और इस एज में जो लास्ट की एज है ब्रास एज, इस एज में थॉमस लव पीकॉक ने जो रोमांटिक्स पोइट्स है उनको क्रिटिसाइज किया है और उनको सेमी बारबेरियंस बोला है। इस तरह से थॉमस लव पीकॉक ने पोइट्री का क्रिटिसाइज किया है। और इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक।